हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं मसूर की दाल और चावल से एकदम टेस्टी नाश्ता। बहुत ही आसान है इसको बनाना और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कप मैंने छिलके वाली मसूर की दाल ली है, जिसको कि 3-4 घंटे पहले फूलने के लिए डाल दिया था। आप इसको रात भर के लिए भी डाल सकते हैं फूलने के लिए। अब यहाँ पे आधा कप मैंने चावल ले लिया है। चावल को मैंने 4 घंटे पहले ही डाल दिया था फूलने के लिए। साथ ही डाल दी हरी मिर्च, 3 से 4 डाल देंगे। अदरक लहसुन डाल दिया यहाँ पर। और अब सारी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डाल के और थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी दाल पीस ली है, 2 बार करके मैंने इसको पीसा है और इस तरीके से हमने इसको पीस लेना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये भी बहुत गाढ़ा है, ये थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल आधा कप के करीब इसमें पानी और ऐड किया है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। अब इधर एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच से तेल डाल दिया, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे उसमें, आधा चम्मच राई डाल दी है, 1 चम्मच से डाल देंगे सफ़ेद वाली तिल। और अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का सा हमने पका लेना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए प्याज हल्का भुन गया है। तो आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से इसमें गरम मसाला और आधा ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल दिया है अच्छे कलर के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं, अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मसालों को मैंने भून लिया है। अब जो हमने दाल चावल पीस के रखा हुआ है उसको हमने इसमें डाल देना है। तो इस तरीके से हम सारा ही बैटर इसमें डाल देंगे। अब लगातार चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक ये डो जैसा नहीं हो जाता है। तो पहले यहाँ पर खूब सारा हरा धनिया इसमें डाल देते हैं और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको पकने देंगे। तो ये देखिए ये डो जैसा हमारा यहाँ पे हो गया है। इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और हम इसको सेट करने के लिए एक प्लेट ले लेंगे या फिर ट्रे ले लेंगे। मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ की प्लेट ली है, अच्छे से तेल लगा लिया है इस पर। अब इसमें हम थोड़ा सा डो डाल देंगे, इस तरीके से रखेंगे और इसको इसमें फैला देंगे। आप इसको चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं या फिर आप इसको, मैं एक और तरीके से आपको बताऊँगी, बना के दिखाऊँगी, आप वैसे भी बना सकते। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, तब तक हम दूसरी तरीके से बना लेते हैं। तो थोड़ा सा डो मैंने बचा लिया था, तो इसके आप चाहें तो छोटे छोटे बॉल बना सकते हैं या फिर लंबाई में आप बना सकते हैं या फिर छोटी छोटी सी आप टिक्कियाँ बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से। तो जैसे भी आपको पसंद हो, सुविधा हो, उस तरीके से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से भी थोड़ा सा बना लिया है और इधर ये है, इसको भी हमने ठंडा कर लिया है अच्छे से। तो अब इसको कट कर लेंगे। तो इसको आप अपने पसंद के हिसाब से जैसे भी चाहे कट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से छोटे छोटे लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ तेल मैंने चढ़ा दिया है पैन में। आप इसको कम तेल में सेक के भी बना सकते हैं, तो चाहे तो इस तरीके से या फिर आप कम तेल में भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। और आप इसे पहले से बना के फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको मन करे खाने का फटाफट से निकाल के फ्राई करके आप इसे खा सकते हैं अपने मनपसंद चटनी या फिर सॉस के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही नीचे से सीख जाएगा ना, तो इसको हम पलट देंगे और उलट पलट के इसको अच्छे से हमने पका लेना है बढ़िया सा कलर आने तक। तो यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से इसको भी, टिक्कियों को भी फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से। बहुत ही आसान है इसको बनाना और झटपट से बन जाता है और बच्चे बड़े इसे सभी बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी फ्राई हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं।
तो कम चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, किसी भी तरीके से जो भी आपको पसंद हो। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पका है और बहुत टेस्टी बना है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।